हाय एवरीवन, काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो जो है ये इसके बारे में है कि आप जब बीटेक कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अभी का जो टाइम है उसमें काफ़ी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और लोग क्या करते हैं, पहले बीटेक में पास आउट कर लेते हैं, अच्छे परसेंटेज ले लेते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ परसेंटेज के लिए करते हैं कि बीटेक किस तरह से अच्छी तरह से पास आउट हो जाए। लेकिन जब वो उसके बाद बीटेक कंप्लीट करने के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर वो क्या रहता है कि उनका बहुत लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पेपर सोल है उसको लेके पढ़ते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर से उसके बाद अगर आप बीटेक करने के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें आप बहुत बार क्या होता है कि एमसीक्यू कर सोल्व करने के टाइम आपको लगता है कि आपसे सोल्व हो नहीं रहा है। उसका कारण होता है कि आपका जो फंडामेंटल है, जो सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, वो आप कहीं ना कहीं आपने बीटेक में सिर्फ पढ़ाई की होती है सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए या परसेंटेज लेने के लिए, जबकि आप अगर डेप्थ में पढ़ोगे और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप एमसीक्यू जो इजीली आप उसको सोल्व कर सकते हो। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो रेफरेंस बुक है वो लेना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है वो उसका लेना पड़ेगा और फिर से वो थियोरिकल नॉलेज फिर से रिफर करना पड़ेगा, जो काफ़ी टाइम लेता है, जो काफ़ी लेंदी है। तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा इंटरेस्ट देके और पूरा ये माइंड में रख के कि मैं जो बीटेक कंप्लीट करने के बाद या फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना आसान रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो वो आप वो माइंडसेट लेके इंजीनियरिंग करो और उसमें प्रिपरेशन करो इंजीनियरिंग में, तो आपको बहुत आसान लगेगा। सिर्फ आपका जो एमसीक्यूज वगैरह है, जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी आपको आसानी से सोल्व हो सकते हैं। तो आपको जब भी इंजीनियरिंग करो तब वो ये माइंडसेट लेके करो कि जब भी, अगर आपके पास थियोरिकल नॉलेज नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको फायदा नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या होगा, जो आप अगर मानो कि आप प्राइवेट फील्ड में जाओ और अपना प्राइवेट फील्ड में अगर करियर देख रहे हो और कोई अच्छी कंपनी लाइक टाटा अदानी है, रिलायंस है, उसमें आप करियर देख रहे हो, तो भी आपका फंडामेंटल नॉलेज अच्छा चाहिए, उसके बिना कोई भी फायदा नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज का। बहुत बार क्या होता है, लोगों के पास थियोरिकल नॉलेज नहीं होता, लेकिन बहुत बार इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम करने के बाद उनके पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, लेकिन वो लोग एक जो उनका जो वो जो डेवलपमेंट है उनका वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यूज देने जाते हैं, उनके पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर आपके पास अच्छा फंडामेंटल नॉलेज है तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे कि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे और आप एक्चुअल में जो इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स फॉल्ट्स होते हैं या जो सिस्टम चल रहा है उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज अच्छा होगा, तो आपको दोनों फील्ड में काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज प्राइवेट फील्ड में। तो मेरा सजेशन ये है, मैंने जिस तरह से वो प्रिपरेशन बीटेक से की थी, मुझे पता था कि मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है, तो इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि वो बाहर जाके उसको मतलब इजीली हम लोग कहीं से अच्छी जॉब पा सके, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। तो इसको किस तरह से करना है मैं थोड़ा आपको गाइड कर सकता हूँ इसके बारे में कि ये किस तरह से इंजीनियरिंग में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर आप इंजीनियरिंग में हो अभी तो प्लीज़ उसका अच्छा यूटिलाइजेशन कीजिए, उस टाइम का बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन किए। अगर परसेंटेज थोड़ा कम बनेगा तो भी ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 70% अगर आप 80% नहीं मिले और आपको 70% में आप पास आउट होते, लेकिन आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी, आपको ऑल ओवर तैयारी करनी चाहिए जो आपको आगे जाके फायदे में रहे। और बहुत बार ऐसा होता है, मेरा खुद का एग्जाम्पल दूँ तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर हैं लेकिन वो अच्छी जॉब नहीं मिल रही। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी टॉपर्स हो उनको अच्छी जॉब मिल जाए, आपका डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरिकल नॉलेज कितना है। तो अब मैं बात करूँगा कुछ कि किस तरह से इंजीनियरिंग में आप प्रिपरेशन कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहली बात है कि जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके आए, जैसे मशीन है, जैसे कि स्विच गियर प्रोटेक्शन है, जनरेशन है, ये सारे ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं, जो भी कोर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपको पढ़ने में,
वो सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी तरह से केयरफुल्ली, जैसे कि आपको सिलेबस दिया जाता है, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए साइट पर से, और हर एक टॉपिक आप जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स आते होंगे या फिर एनवायरमेंट के सब्जेक्ट्स आते हो, उनको आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करें तो ठीक है, क्योंकि आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन जो भी टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स है उनको हर एक टॉपिक को, मतलब सिलेबस का पहला टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक, हर एक टॉपिक को क्लिक करना है, उस पर राइट करना है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, पूरा सिलेबस अच्छी तरह से करना है, पेपर्स उनको हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए और वन बाय वन एक एक टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, जितने टेक्निकल सब्जेक्ट आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके लास्ट सेम तक जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट आते रहे उनको। दूसरी बात कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार किस तरह से होंगे, तो उनके लिए आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए। रेफरेंस बुक जैसे कि बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, एक सब्जेक्ट्स के लिए 2 से 3 रेफरेंस बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइक आप टाटा मैग्रोविल है, एस चंद है, उनकी बहुत सारी सभी सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हो। लोकल ऑथर बने जितना हो सके उतना कम यूज करें, अगर लोकल ऑथर में भी कंटेंट अच्छा दिया है तो उसमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकल ऑथर हमेशा जो उसमें कंटेंट दिए होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं दिए होते, वो दिए होते हैं कि आपका आरटीयू का एग्जाम है या जीटीयू का एग्जाम है वो किस तरह से क्लियर हो, तो वो आपको लोकल ऑथर अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं दिया हुआ है तो आप ज्यादा से ज्यादा ये रेफरेंस बुक यूज कीजिए, कि उसमें इसमें डेप्थ में दिया होता है और आप अच्छी तरह से टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक ले लीजिए, आप लाइब्रेरी होगी कॉलेज में, वहां से इश्यू करवा लीजिए। हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आप एक दो रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, जितनी भी आपको जरूरत लगे सारे टॉपिक आपको उन रेफरेंस बुक्स में से मिल जाएंगे। आप एक सब्जेक्ट्स के लिए एक से ज्यादा रेफरेंस बुक ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है, और बाद में अगर आप ये सब करने के बाद अगर आपको वेकेशन में जब भी टाइम मिलता है, तब आप उनका जो भी आपके सब्जेक्ट्स जो गए हुए हैं, पास हो चुके हैं, जो भी आपने अगले सेमेस्टर में पढ़ा है, तो उसको ऐसा नहीं करना है कि वो बाद में उसको रिवीजन करते रहना है। जब भी आपको वेकेशन में टाइम मिले तो एक बार से देख लेना है, वेकेशन में ज़्यादा नहीं, लेकिन वो एक क्या होता है कि वो